हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रजा अनप्लग्ड। आई एम रजा चौधरी एंड गेस व्हाट, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि फाइनली हमारे घर की जो पहली शादी होगी मेरी सिस्टर की, उसके हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। और ये ब्लॉग मुझे नहीं पता कब आएगा, ये बहुत बहुत टाइम बाद आएगा ब्लॉग, बट हाँ मैं इसे ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एज एन मेमोरी हमारे पास रहे कि डे वन से हमने जैसे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करती है डे एंड तक, तो हम इसे बाद में भी देख पाए और इन्जॉय कर पाए मोमेंट्स को उस टाइम पर भी। तो इसी के लिए मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ। आज हम जा रहे हैं क्रॉकरी शॉपिंग करने, तो चलते हैं। मैं आपको ज़्यादा मार्केट में कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले ही रिवील नहीं करना चाहता और ना बाद में, मतलब ब्लॉग तो बाद में ही आएगा, बट फिर भी हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरी सिस्टर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि कुछ नहीं दिखाएगा पहले ही। तो अभी चलते हैं मार्केट और करते हैं शॉपिंग। घर से तो निकल चुके हैं और अभी हम रास्ते में जा रहे हैं, हम जाएंगे सदर बाजार क्योंकि हमको चाहिए बल्क में सामान, तो हम वहीं से लेंगे और अभी चलते हैं सदर बाजार। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, दिखाओ एक बार। तो चलिए चलते हैं और मार्केट पहुंच के मैं आपको मिलता हूँ। हमारे में काफ़ी टाइम हो गया, हम आए थे 11 बजे और अभी बज रहे हैं और हमने सामान तो ले लिया, काफ़ी सारा सामान लिया है, अभी समझ नहीं आ रहा और भी चीज़ें लेंगे और देखते हैं हम और क्या क्या लेते हैं। भाई सामान तो बहुत सारा लेना था, देख रहे हो पूरी लिस्ट है, लेकिन पता नहीं क्या मिला और क्या नहीं मिला, अभी देखते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये मेरे भाई है, ये बहुत टिमिड है, ये बहुत ज़्यादा टिमिड है। राइट राइट, हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे? थक गए, भूख लग रही है और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। शॉपिंग पे आके कैसा लगा पहले दिन? हाल खराब हो गया। अभी ये रिक्शा आपको खाली लग रहा है? अभी ये भर जाएगा तब देखना। अभी बहुत सारा सामान जो लिया था वो तो रख दिया, ये खड़ी है मेरी गाड़ी पीछे और अभी हम जा रहे हैं दोबारा सदर मार्केट और सामान लेने। टिपिकल इंडियन फैमिली, अपना खाने का जुगाड़ भी साथ लेके चलते हैं। अभी जो जो भी सामान लेना था हमने ले लिया और अभी हम जा रहे हैं घर। अब मैं आपसे करूँगा बात घर जा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और भाई साहब जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, अगर आप में से कोई भी सदर आना चाहता है तो बी रेडी। अब मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे हो चुका है जब मैं ब्लॉग की क्लिप शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल घर आके बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे कुछ शूट करने का और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था कि हम बहुत लेट पहुँचे थे घर। और आज मैं शूट कर रहा हूँ, सो हमारा पहला दिन मार्केट में शॉपिंग का जनरली बोले तो वर्थ इट नहीं रहा, मतलब जितना हमने सोचा था कि ये भी लेना ये भी लेना ये भी लेना वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। हम सोच के गए थे सब सामान ले लें एक दिन में, एक ग्लास की क्रॉकरी को हम मतलब सब कुछ ले लेंगे सामान, बट नहीं ले पाए। हमने जो लिस्ट बनाई थी ना, लिस्ट में से आई डोंट थिंक सो कि हमने मोर देन 4 आइटम्स भी लिए होंगे, बट जो भी लिया है वो तो मतलब अच्छा है क्योंकि मार्केट में जो क्वालिटी थी ना हमारे टाइप की क्वालिटी मिली है हमें और मतलब प्राइस रेंज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अगर बात करें ना जैसे होलसेल की मार्केट थी और हम भी बल्क में लेने गए थे तो जैसे थोड़ा सा रीजनेबल मिलता वैसा बिल्कुल भी नहीं था, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। कैन यू इमेजिन 50,000 का डिनर सेट और जिसकी क्वालिटी भी कोई अच्छी नहीं थी ना, डिज़ाइन प्यारा था जस्ट बिकॉज कि उस पर थोड़ी सी गोल्ड का वर्क था, वो भी आर्टिफिशियल गोल्ड नॉट रियल, तो उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस कोट करा उस डिनर सेट का। बट खैर जो भी था, जो भी होना था हो गया। और हमने जो एक बड़ी गलती करी कि हम चले गए होली से जस्ट 2 दिन पहले, तो मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। कोई नहीं, होता रहता है ये सब तो, और अभी आगे भी ऐसे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और हमने क्या लिया मार्केट से
ये तो जब तक मेरी सिस्टर नहीं अलाउ करेगी मैं नहीं दिखाऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रजा अनप्लग्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।